हमारे साथ हैं किशोर उपाध्याय, कांग्रेस को छोड़कर आज भाजपा में शामिल हुए हैं। सर, एक बड़ा फैसला आपके माध्यम से है, आज कांग्रेस छोड़कर आप भाजपा में शामिल हुए हैं। नहीं, बड़ा फैसला तो है ही, और प्रदेश के टिहरी के सरोकारों को लेकर के वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के संरक्षण के लिए मैंने ये फैसला लिया। सर, आप 45 साल तक कांग्रेस में रहे, काफ़ी गांधी परिवार तक आपकी निकटता रही, एक बड़ा ऐसा क्या अब रहा कि आपको अब कांग्रेस छोड़नी? देखिए, इसके बारे में तो जवाब वही लोग दे सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं क्यों मैंने ये फैसला लिया, मैं सरोकारों की राजनीति करता हूँ और उन सरोकारों का समाधान हो सके, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। सर, आगे का क्या एजेंडा रहेगा? सर, अब भाजपा में शामिल हो गए, आगे का एजेंडा मैंने बता दिया है। जो लीडरशिप से बातचीत हुई है, हमारे वनाधिकारों के जो सरोकार हैं, वनाधिकारों के सरोकार आगे के पूरे विश्व की राजनीति को जो है वो प्रभावित करेंगे, जल जंगल जमीन के जो इश्यूज हैं उनको प्रभावित करेंगे। तो उस भावना को लेकर के कि ये देश, हमारा प्रदेश सुरक्षित रह सके, आगे बढ़े, प्रगति करे, उसको देख करके फैसला ले। क्या किशोर उपाध्याय टिहरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये पार्टी तय करेगी, वो पार्टी को बताना है, वो मेरे हाथ में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है किशोर उपाध्याय, जो आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। हालांकि टिहरी से वो चुनाव लड़े या ना लड़े, उसके लिए अभी पार्टी की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।